नमस्कार, आदर शिक्षक संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 5 जल और वायु। पिछले वीडियो में हमने जल के बारे में थोड़ी सी बातचीत की थी, आज हम वायु के बारे में थोड़ी सी अपनी बातचीत करते हैं। जैसे जल की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार में वायु की भी अति ही जरूरी आवश्यकता रहती है हमें जीने के लिए। जैसे जल प्यास बुझाने या अन्य अपने जो भी कार्य हैं उसमें जल जितना उपयोगी रहता है, उसी प्रकार वायु में उपयोगी। हमें ही नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधे सभी को वायु की आवश्यकता रहती है। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायु से घिरा हुआ है, जिसे हमें वायुमंडल कहते हैं। ऊंचाइयों पर सांस लेना बहुत ही कठिन है। जब हम जमीन के स्तर पर रहते हैं तो सांस आसानी से ले सकते हैं, यहाँ हवा चलती। जब हम ऊपर जाते हैं, जमीन से ऊपर उठते हैं जैसे आसमान में, तो वहाँ वायु सांस लेना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए वायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। चलती वायु को हम पवन कहा जाता है, और धीरे और मंद हुए हवा चलती है उसे हमें समीर कहते हैं। और तेज मजबूत हवा चलती है, तूफान होते हैं, आंधी आती है, उसे हम आंधी कहते हैं। और हिंसक जैसे पेड़ टूटना, झुकी झोंपड़ियाँ उड़ जाना, हिंसक तूफान आता है, वो तूफान के रूप में हम उनको कहते हैं। जब आंधी आती है, पेड़ वगैरह सब कच्चे मक्के घर वगैरह सब उड़ा देते हैं, वो तूफान होता है। सांस लेने तथा पदार्थों को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को जलाना करना, अगर वायु है तो वो चीज जलेगी, नहीं तो वो जल नहीं पाएगी। पेड़ पौधे हवा है, वहाँ वायु है तो पेड़ पौधे भी वहाँ लग सकेंगे, अन्यथा पेड़ पौधे भी नहीं लगेंगे। वायु हमारे जीवन में अति ही आवश्यक है। वायु नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते, पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते, जीव जंतु जीवित नहीं रहते। हम जो श्वास लेते हैं ये हमारी हम वायु हवा है, उनसे आदान प्रदान करते हैं। वायु से पवन चक्किया भी बनती है, उससे बिजली प्राप्त होती है। पवन चक्कियों से हम वायु से बिजली भी प्राप्त करते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें हमें मिलती हैं। ये सभी वायु से हमें मिलती हैं, हम लेते हैं और सांसों को छोड़ते हैं। फिर वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। जैसे कुछ लोगों ने कुछ माल फैक्ट्रियों में लेकर वो जला देते हैं और वायु को हमारे प्रदूषण करते हैं, प्रदूषित गंदी कर देते हैं, और वो सांस हम लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए हमारा शुद्ध वातावरण होगा, शुद्ध वायु होगी, हम शुद्ध श्वास ले सकेंगे। शुद्ध तब होगा जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे, आसपास की साफ सफाई रखेंगे, तब वायु शुद्ध होगी तो हम उनको लेंगे, ग्रहण करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और कभी वायु को प्रदूषित कर देंगे तो हम वही श्वास हम ले रहे हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह वायु में हानिकारक जीवाणु पैदा होते हैं और वायु प्रदूषण होता है। जैसे खुले में मलमूत्र जाना वायु प्रदूषण, जैसे किसी फैक्ट्रियों में कोई माल लाकर वहाँ जलाना, धुआं उठता, जैसे कुछ संसाधन के साधन होते हैं उनके से निकलता हुआ गाड़ियों से धुआं या फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, तो ये धुएं से क्या है, हमारा वायु प्रदूषण दूषित हो जाता है, और जो गैस दूषित हो जाती है वो हम देते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनसे वायु शुद्ध होता है और हम वायु शुद्ध साफ लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह है घरों में भी हम धुएं के लिए निकालते हैं, घरों में निकलने वाला धुआं पर्यावरण को भी दूषित करता है। अतः हम चूल्हे बायोगैस आदि का उपयोग करके धुएं को कम कर सकते हैं। जैसे हम घर में चूल्हे जलाते हैं तो उससे जो निकलता धुआं ऊपर हवा में जाता है और वो गैस हवा हम लेते हैं तो भी दूषित। तो बायोगैस जैसे गैस से हम चूल्हा जलाते हैं, उनसे भी जैसे लाइट से उन्हें से भी हम उपयोग ले सकते हैं। धुआं कम से कम हो तो हमारा वातावरण साफ सुथरा रहेगा, और शुद्ध रहेगा तो हम वो हवा लेंगे तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी। इसी तरह से परमाणु परीक्षण, जैसे परमाणु बमों की विस्फोट से वायु प्रदूषित होता है। बड़े बड़े कहीं आपने देखा होगा
प्रशिक्षण करते हैं, बम छोड़ते हैं, गोले बारूद उनसे छोड़ते हैं, तो वायु प्रदूषण होता है और वो हमें जीवन में संक्रमित हो जाते हैं। अतः इसमें पर रोक भी लगाई गई इस के वायु प्रदूषण कम से कम हो। अगर ज़्यादा धुआं होगा तो जो हमें श्वास ले रहे हैं वायु में हवा है वो दूषित हो जाएगी। इसीलिए वायु शुद्ध होगी, हवा शुद्ध होगी तो हम उसको ग्रहण करेंगे। छोटे में आप समझेंगे कि हवा हम ले रहे हैं सांस, इसमें ये अगर हवा शुद्ध होगी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, और हवा ही दूषित हम ले रहे हैं इसके अंदर तो हम भी बीमार पड़ेंगे, क्योंकि हम धुएं से या अन्य प्रदूषणों से मिली हुई ये हवा आती है और हम ले लेते हैं और वो जैसे उसी तरह से जल, जल साफ सुथरा होगा तो पिएंगे तो हमें स्वस्थ रहेंगे, और दूषित जल पिएंगे तो हमें जो जल के अंदर जीवाणु कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, उनसे हम बीमार पड़ते हैं। उसी जल और वायु ये शुद्ध रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। वायु शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधों से बरसात होगी और हमें शुद्ध जल मिलेगा। इसलिए जल के जितने भी आसपास के मुख्य स्रोत हैं उनको साफ सुथरा रखना, तालाब है, नाड़ी है, झीले हैं, झरने हैं, इनको साफ रखना और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, ये दोनों ही हमारे जीवन में अति ही महत्वपूर्ण है। मानव के जीवन में ही है, अन्य जीव जंतु उनके लिए अति ही महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधों के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम जल और वायु को शुद्ध रखेंगे तो हमारा जीवन अति सुंदर होगा। अगर ये दूषित हो गए तो हम दोनों हम ग्रहण करते हैं तो हम भी उनसे बीमार पड़ जाएंगे और हम पूरा परिवार बीमार पड़ेगा। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जल को साफ रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। कहीं भी वहाँ कचरा है आसपास में तो उसको हम साफ मिलकर साफ करेंगे, वही जल अपने पीने में काम लेंगे। तो जल साफ रहेगा, वायु साफ रहेगी तो हम हमारा स्वस्थ रहेगा शरीर, क्योंकि वायु हम लेते हैं और जल हम पीते हैं, इसलिए वायु और जल को शुद्ध रखना अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।